आज के दिन हर एक इंडियन जो है बिल्कुल प्राउड सा फील कर रहा है, क्योंकि आज के दिन मिशन शक्ति का लॉन्च हुआ है। मिशन शक्ति जो है उसने पूरे वर्ल्ड में जो है इंडिया का नाम रोशन कर दिया है। इंडियन के जितने भी साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन करा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मिशन शक्ति क्या है, इसके क्या फायदे हैं, जिसके कारण जो है आज के टाइम पे हर एक इंडियन जो है वो प्राउड फील कर रहा है। तो मैं आपको बिल्कुल इजी वे में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे एक बटन होगा उसको दबा के, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो मैं आप तक लाता रहूँ। तो मिशन शक्ति की बात करते हैं डायरेक्टली। तो मिशन शक्ति एक मिशन था जो आज के दिन इंडिया ने लॉन्च किया है, एक मिसाइल लॉन्च करी है। जो पहले तो मैं बात करता हूं कि ये जो ऑलरेडी एक इंडिया जो है वो आज के टाइम पे स्पेस पावर के खिताब से जो है माना जा चुका है आज के दिन, क्योंकि पहले जो ये खिताब थे वो ओनली 3 कंट्रीज के पास थे, वो 3 कंट्री थी, अमेरिका, रशिया और चाइना। अब जो है इंडिया भी इस खिताब के लिए बिल्कुल एक्सेप्टेबल हो चुका है, 4th नंबर की कंट्री बन चुका है। और इस मिशन का क्या फायदा है, इस मिशन में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। मिशन शक्ति एक पोर्टेबल मिसाइल है। पोर्टेबल मिसाइल इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें आपको बिल्कुल एक रॉकेट लॉन्चर टाइप का कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ये एक जो बड़े से ट्रक के अंदर भी रख के, मतलब ट्रक के जो बाहर का हिस्सा होता है उस पर रख के भी ये जो है लॉन्च कर सकते हैं। एक रडार जो होता है वो अर्थ पे ही लगा रहता है, तो जो उस रडार का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि जो सैटेलाइट है जो अर्थ पे रिवॉल्व घूम रही है उस सैटेलाइट को ऑब्जर्व करता है, उस करेक्ट पोजीशन जो है वो उस मिसाइल को देता है। और वो मिसाइल जब लॉन्च होती है तो उस रडार के साथ कंट्रोल की जाती है, और वो जो मिसाइल अब मतलब 300 किलोमीटर जो ऑर्बिट के अंदर ही जाके उस सैटेलाइट को ऑब्जर्व करती है कि उसका क्या मूवमेंट है, और जाके एकदम से हिट करती है। तो हिट करने के बाद जो सैटेलाइट है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये एक मैंने आपको एक ओवरव्यू बताया है जो मिशन शक्ति का जो काम है उसके बारे में आपको बताया है, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। और इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी होते हैं। वो रूल्स एंड रेगुलेशन ये होते हैं कि अगर आप मिसाइल जो है स्पेस में आप जाके उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हो तो उसका जितना भी कचरा वचरा होता है वो स्पेस में नहीं जाना चाहिए, उसका जितना भी कचरा है वो अर्थ पे ही आके गिरना चाहिए, मतलब समुद्र वगैरह में गिरना चाहिए। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ जो मिशन शक्ति जो है बिल्कुल पास हो चुका है। तो उसने जो है आज ऑफिशियल वीडियो जो लॉन्च करी है उसमें बता दिया है कि हम भी किसी से कम नहीं है। और नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी एक वीडियो में बताया है, उन्होंने अनाउंस किया है, मिशन शक्ति के बारे में नहीं बताया उन्होंने, इस बारे में बताया है कि इंडिया ने जो है ये मिसाइल थी वो सक्सेसफुली जो है वो लॉन्च कर दी है। तो इस तरीके के जो इवेंट है जो इंडिया करता रहता है, तो इसमें भी जो इंडिया ने अपना नाम जो है रोशन कर दिया है, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो फर्स्ट टाइम में ही सक्सेसफुल रहा है। हमेशा ही माना जाता है कि इंडिया जो भी एक्सपेरिमेंट करता है उसमें नंबर 1 पे ही आता है। अब मैं आपको इनडेप्थ में जाके बताता हूँ। एक्चुअली अपना जो अर्थ होता है उसकी जो एक ऑर्बिट होती है, ऑर्बिट मतलब 300 किलोमीटर तक जो होता है वो अर्थ का ऑर्बिट होता है, स्पेस स्टार्ट नहीं होता है, जहाँ पे आपको ऑक्सीजन वगैरह और जो ग्रेविटी वगैरह है वो मिल जाती है। लेकिन इसके ऊपर जो होते हैं उसमें आप स्पेस स्टार्ट हो जाता है, तो स्पेस स्टार्ट के कारण जो है मिसाइल जो है वहां जाके अटैक नहीं कर सकती, क्योंकि ग्रेविटी स्टार्ट होने के बाद मिसाइल जो है वो फ्लोट करने लगेगी। तो जो इस ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट्स होते हैं उस वो सैटेलाइट्स होते हैं जो कम्युनिकेशन के लिए काम आते हैं, कम्युनिकेशन द सेंस वीडियो कॉलिंग, वॉइस डेटा ट्रांसफर, इन सब के लिए जो काम आते हैं, ऐसी सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिट के अंदर ही घूमती हैं। तो उन सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये सैटेलाइट, ये हमारे मिशन शक्ति का जो है आज रिलीज हुआ है, वो इसलिए क्योंकि बहुत सी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं वो इस मिशन शक्ति के कारण जो है वो रोकी जा सकती है। बहुत सी जो टेररिस्ट जो एक्टिविटीज होती हैं वो सैटेलाइट के थ्रू ही होती है, तो उन सैटेलाइट को जो है अब इंडिया जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो आज इंडिया ने जो लॉन्चिंग किया है वो एक डेमो लॉन्च किया था, मतलब इंडिया ने दिखा दिया है। ये जो प्लानिंग है वो 2011 से ही चल रही है, शायद उससे पहले भी चल रही है, लेकिन जो ऑफिशियल वीडियो जो है वो रिलीज नहीं किया था इंडिया के साइंटिस्ट ने, तो आज के टाइम पे जो है वो ऑफिशियल रिलीज हो चुका है। प्रधानमंत्री हमारे जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने बिल्कुल एक वीडियो में ऐसा कहा है कि इंडिया जो है इंडिया ने अपना नाम रोशन कर दिया है और 4th नंबर पे वो आ चुका है पूरे वर्ल्ड में।
आई होप आपको मिशन शक्ति के बारे में अब अच्छा खासा नॉलेज हो गया होगा कि इस मिशन शक्ति का मेन पर्पस क्या था। उसको मैंने आपको इजीली तरीके से समझा दिया है कि इसका मेन पर्पस क्या था। तो ऐसी वीडियो जो है वो आप रेगुलर देख सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाता रहूंगा। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, नीचे एक सब्सक्राइब बटन होगा उसको दबाना होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक भी करना होगा, ताकि ऐसी वीडियो जो है वो मैं आप तक लाता रहूँ। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।